दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक सांप निकलने की सूचना मिली है और आप देख सकते हैं यहाँ पे घर के लोग भी जमा है और आजू बाजू के लोग भी जमा है। तो हम इसका रेस्क्यू ऑप्शन देखते हैं कौन सा सांप है। तो यहाँ पे टाका है ना नीचे, हाँ। जैसा कि इन्होंने बताया थोड़ा लंबा बड़ा सांप है, कौन सा है जब तक दिखेंगे नहीं तब तक बता नहीं सकते। फर्जी अंदर पड़न का जन नजर से आके सांप और जो इसे ताजा के दोस्तों यहाँ पे एक टाका है इथे पण म्हणजे एवढं भाग आहे टाक्याचा। हो हो तो तेवढा ताच आहे पण म्हणजे जैसे तो एक सकते दोस्तों यहाँ पे एक सांप गिरा हुआ है, टाके में गिरा हुआ है क्या होते बात लागला ना त्याला लेकिन जरा दोस्तों अभी यहाँ पे मुश्किल ये है क्योंकि ये टाके में पानी जरा कम है, ऊपर में नहीं है। सांप पानी वाला चिकट किलबैक वाटर स्नेक मतलब जलदोड़ा दीवड़ वेरुड़ा और लोकल में इसे ढूंढा इस नाम से जाना जाता है, पानी वाला ही सांप है। तो इस वजह से इसे जरा पकड़ना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये पानी के अंदर ही है और ये पानी के में रहना ही खास करके पसंद करता है। तो हम कोशिश तो करना हमारा काम है, करेंगे। कहाँ रखें ठीक है, ये थोड़ा सा फोन रख दो तो हाथ ना दिल खाना नहीं उठा कर। अरे तुमकी स्टिक खूब मजबूत है ना सर। ओ एक मिनट कर देखा जरा पानी में उसकी पोजीशन। हाँ पानी वाला साफ है ढूंढा मैं तुम्हें पता सहसा येत नाही तो कारण की पाण्यात असल्यामुळे नाही का। अच्छा अच्छा त्याला म्हणजे पाण्याच्या पासून काही हिजा नाही आहे ना। वाटलं तिकडे लोक जाऊ। दोस्तों साप काफी अंदर तक छुप गया है और ये टाका है गहरा। नजर आला एकदम प्रयत्न टाका पडला जी चाबी पडली खिशातली। बर चाबी नाही चाबी काढून घेऊ नाही मला वाटतं पाण्यात जर नाही आलं तर उतरच लागेल। सकाळी तुम्ही पाणी भरता का याच्यात? सकाळी पाणी भरता म्हणजे असं बंद टाका आहे? नाही नाही याच्यात पाणी आहे म्हणजे याच्यात पाणी भरत असेल तुम्ही? नाही भरत पाणी। हे खूप दिवसाचं पडलंय का? हो वापर नाही याचा? नाही पाण्याचा वापर नाही। अकबर बिरबल कसा करायचा मग साहेब? लाईट लावू शकतो ना? हॅलोजन मला वाटतं उतरास लागेल। जैसा की आप देख सकते यहाँ पे साप टाके में गिर गया, चिकट किलबैक है, वॉटर स्नेक है, पानी वाला साफ होने की वजह से इसको कोई पानी से तकलीफ नहीं है तो ये बाहर निकलना नहीं दे रहे। तो हमको अभी हेलोजन लाइट लगाना पड़ रहा है, पड़ा है आप देख सकते हैं। और इसकी पोजीशन मैं एक दो बार कोशिश कर रहा हूँ कि वो सीख से आ जाए लेकिन आया नहीं अभी तक। तो आप पोजीशन देख सकते हैं उसकी। हाँ लेकिन ये थोड़ा सा सांस लेता है और फिर 10-12 मिनट के लिए फिर से पानी के अंदर ये डुबकी लगा सकता है। तो हो सकता है मुझे इसको पकड़ने के लिए पानी में उतरना ही पड़ेगा और मुझे वैसा करना ही पड़ेगा शायद, क्योंकि ये पानी वाला साफ होने की वजह से अपने आप ऊपर नहीं आएगा। फोन पाळशील ना बघा पाण्याजवळ येशील। हो जी दोस्तों मुझे अभी पानी में उतरना ही पड़ रहा है
क्योंकि ये टाका काफी बड़ा है और आ नहीं रहा ये साफ। दिखाइए जरा, मैं आपको सांप की पोजीशन दिखाने की कोशिश करूंगा। कहाँ पे है सांप? दोस्तों सांप को अंधेरे का भी फायदा हो रहा है क्योंकि सांप, हाँ वो कोंटे में फंसा हुआ है, छुपा हुआ है, मुझे स्टिक देना पड़ेगा। वीडियो मध्ये दिसत आहे आणला तो दोस्तों काफी मुश्किल हो रही है क्योंकि अंधेरा है और सांप को जगह बहुत है क्योंकि बड़ा टाका है और टाके में जो धूल है उसकी वजह से मुझे इसको पकड़ने में बहुत तकलीफ हो रही है। मुंडी दबाने का पड़ेगा, बिना फुकट लागून येईल नक्की तिथं। मशीन लावून तोडून टाक पाणी। नाही भेटेल भेटेल भेटेल। बोला किती मोठा टाका आहे बे, धूळ उडून राहिली ना, धुळीमुळे समजून झालं मोठाही आहे टाका खूप। बोल्या शंकर राया गाणं म्हणून बाहेर निघा, खूप मोठा आहे टाका। अरे हा कालमापर्यंत आहे ना, अबे बहुत अंधार आहे, वाकून पाय बर तू, मजाक वाटते का पाहिलं काफी मेहनत हुई है, सांप ने काफी छकाया लेकिन इसको आके पकड़ना ही पड़ा, बहुत मुश्किल से पकड़ा गया। ये देख सकते मेरे हाथ को पूरा लपेट लिया इसने, काटने में ये पूरा माहिर सांप है इसलिए इसको ऐसा पकड़ना पड़ा क्योंकि पानी में था ये और टाका काफी बड़ा है। दिखाई मैं टाके की पोजीशन दिखाना चाहूंगा एक बार। अरे पहले ताले टाका टाक पर देखिए, टाका अब काफी बड़ा है और ये पानी वाला चिकट किलबैक होने की वजह से इसको पानी से कोई तकलीफ नहीं है। इसे मैं पैक कर देता हूँ मैं टाके के अंदर से। तो सांप बहुत बड़ा नहीं है लेकिन ऐसा है पानी वाला होने की वजह से पानी से उसको तकलीफ नहीं है, तो पानी में अगर ये नहीं भी निकाला तो पानी में कई दिन रह सकता था और छोटे छोटे मेंढक खा के अपना गुजारा कर लेता। वैसे आप मेंढक तो नहीं है लेकिन ये मच्छर के अंडे भी खा लेता है। दोस्तों मेरी एक चाबी यहाँ पे गाड़ी गिर गई है, चाबी यहाँ थी तो होती हाँ से इकड़ा है चुलेज पाइडर लेके गए थे। हाँ चुलेज पाइडर चेट मार अभी मिल गई। हाँ दोस्तों मुझे अभी निकलना पड़ रहा है, जा रहे हो बच्चे से प्यार कर दो उसको।
ध्यान तो लेकर कपड़ा है कपड़ा हो हाथ पूछा पहले एकदम जोर वो छोटा भी है उधर उधर छोटा है तो दोस्तों आपने देखा इसे चिकन किल बैक वाटर स्नेक पानी वाला पानीवड़ वेरुड़ा शुद्ध मराठी में कहते हैं लोकल में से ढोंडिया ढोंडिया बहुत मिलते हैं हमारे इलाके में क्योंकि यहाँ पे खेती का इलाका है पहले नाग बहुत मिलते थे लेकिन अभी नाग बहुत कम हो गए तो इसके लिए हमने बहुत मेहनत की क्योंकि टाका काफ़ी बड़ा था और टाके का यूज़ नहीं करते ना अभी आप पानी का नहीं पानी का यूज़ तो पानी फेंकने बहुत दिन से जमाएगा बहुत दिन से जमाएं पानी फेंकने के काम का तो ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्स।